नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्रियो का एक पहला एपिसोड जो बिगनर के लिए है। मतलब जो एब्सोल्यूट बिगनर है, जिसको कुछ भी डिज़ाइन नहीं आता, उसके लिए मैं आज का एपिसोड लेके आया हूँ। इसमें हम सीखने वाले हैं पीटीसी क्रियो के बारे में। तो सबसे पहले ओपन कर लेते हैं पीटीसी क्रियो, और ये मैंने ओपन किया और बस आपको इंतज़ार करना है इसके ओपन होने तक। और ये हर बार एक नए लोगों के साथ ओपन होगा पीटीसी क्रियो आपका, और इसी तरीके से ओपन होगा। और ये हमारा पीटीसी क्रियो खुल चुका है। ये हमारा यूज़र इंटरफेस, इसी के ऊपर आपको काम करना है। तो सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ मैं। ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, 4 डॉट्स, इसको हम बोलते हैं मॉडल ट्री लेआउट या मॉडल ट्री लेयर। फिर इसके बगल का फोल्डर ब्राउज़र, इसकी मदद से आप ये सारे फोल्डर्स को तुरंत एक्सेस कर पाएंगे। और ये वाला है आपका फेवरेट फोल्डर। अगर मान लो आपने कोई डायरेक्टरी बनाई हुई है, तो उसको आप फेवरेट फोल्डर दे दीजिए, आप डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर पाएंगे उसको। फिर आगे बढ़ते हैं, यह है आपका न्यू फाइल, इसके थ्रू आप नए फाइल्स ओपन कर पाएंगे। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। फिर है ये ओपन का ऑप्शन, इसकी मदद से आप और जो फाइल्स आपके पास हैं, इन सबको ओपन कर पाएंगे। जैसे मैंने सारी डिज़ाइन पहले से ही बना रखी है, तो मैं ये सारा चीज़ ओपन कर पाऊँगा ओपन की मदद से। या मैंने कहीं से डाउनलोड की हुई है कोई फाइल, और मैं देखना चाहता हूँ कि वो किस तरीके का है मॉडल, तो यहीं से ही ओपन कर पाऊँगा। ये आपका ओपन लास्ट सेशन है, इसकी मदद से आपने आखिरी बार, मीन्स आखिरी जो फाइल आपने सेव करी होगी, वो यहीं से ही देखने को मिल जाएगी। जैसे आप बहुत लंबा डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो कई सारे पार्ट्स आप लगातार सेव करते जाते हैं, तो आप यहाँ जब क्लिक करेंगे तो सारी फाइल्स नज़र आएंगी आपको। फिर ये है सेलेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी, यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी खुद की डायरेक्टरी बना पाएंगे। मतलब आप एक फोल्डर बना पाएंगे जिसमें आप अपनी बनाई हुई सारी सारी स्केच, 3D मॉडलिंग्स सारी आप सेव कर पाएंगे। जैसे मान लो मैंने एक न्यू नाम की एक फोल्डर बना दी, ये बना दी मैंने न्यू नाम की। अच्छा, बना दिया मैंने। फिर मेरे को क्या करना है, ओके क्लिक कर दिया मैंने। अब वो न्यू मेरी क्या हो गई, डायरेक्टरी हो गई। अब उस डायरेक्टरी के अंदर मैं जो भी सेव करूंगा डायरेक्टली उसमें सेव हो जाएगा। अब शुरू करते हैं मॉडलिंग। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है आपको, न्यू पे क्लिक करना है इस तरीके से। अब आपको डिसाइड करना है, असेंबली करना है, 2D मॉडलिंग करना है, 3D मॉडलिंग करना है, क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे 2D मॉडलिंग से। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ स्केच के ऊपर, मैंने कर दी स्केच के ऊपर क्लिक। फिर आप अगर इस फाइल का कुछ नाम देना चाहते हैं, मैम मान लो मैंने स्केच ही नाम दे दिया, मैंने नाम दे दिया स्केच। जैसे ही आप एंटर करेंगे ये सारा कुछ खुल जाएगा। अब इनसे परिचय कर लेते हैं कि इनमें दी हुई चीजें क्या क्या कहलाती है। तो ये जो ऊपर दिख रहा है, ये वाली इसमें आपका फाइल स्केच एनालिसिस ये लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं टैब। और ये सारा जो इसके अंदर दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शंस, अलग अलग ऑप्शंस, इसको बोलते हैं ग्रुप। फिर ग्रुप के बाद आप जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं इन ग्राफिक्स टूल बार। और ये जो आपको ब्लैंक पार्ट जो दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं अपन ब्लैंक पार्ट। मीन्स अगर ये वाली पार्ट जो आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं ग्राफिक्स विंडो। फिर ये जो है ऑल स्केच करके, इसको बोलते हैं सिलेक्शन फिल्टर। और ये आपको सक्सेसफुली चेंज टू ये सब दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। मॉडल ट्री, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। और
मॉडल ट्री हो गया, और ये पूरा का पूरा जो नीचे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं जितने भी, इसको बोलते हैं रिब, रिबन। और ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्रियो का एक पहला एपिसोड जो बिगनर के लिए है, मतलब जो एब्सोल्यूट बिगनर है जिसको कुछ भी डिज़ाइन नहीं आता उसके लिए मैं आज का एपिसोड लेके आया हूँ। इसमें हम सीखने वाले हैं पीटीसी क्रियो के बारे में। तो सबसे पहले ओपन कर लेते हैं पीटीसी क्रियो, और ये मैंने ओपन किया और बस आपको इंतज़ार करना है इसके ओपन होने तक। और ये हर बार एक नए लोगों के साथ ओपन होगा पीटीसी क्रियो आपका, और इसी तरीके से ओपन होगा। और ये हमारा पीटीसी क्रियो खुल चुका है, ये हमारा यूज़र इंटरफेस, इसी के ऊपर आपको काम करना है। तो सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ मैं, ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना फोर डॉट्स, इसको हम बोलते हैं मॉडल ट्री लेआउट या मॉडल ट्री लेयर। फिर इसके बगल का फोल्डर ब्राउज़र, इसकी मदद से आप ये सारे फोल्डर्स को तुरंत एक्सेस कर पाएंगे। और ये वाला है आपका फेवरेट फोल्डर, अगर मान लो आपने कोई डायरेक्टरी बनाई हुई है तो उसको आप फेवरेट फोल्डर दे दीजिए, आप डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर पाएंगे उसको। फिर आगे बढ़ते हैं, ये है आपका न्यू फाइल, इसके थ्रू आप नए फाइल्स ओपन कर पाएंगे। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। फिर है ये ओपन का ऑप्शन, इसकी मदद से आप और जो फाइल्स आपके पास हैं इन सबको ओपन कर पाएंगे। जैसे मैंने सारी डिज़ाइन पहले से बना रखी है तो मैं ये सारा चीज़ ओपन कर पाऊँगा ओपन की मदद से, या मैंने कहीं से डाउनलोड की हुई है कोई फाइल और मैं देखना चाहता हूँ कि वो किस तरीके का है मॉडल, तो यहीं से ही ओपन कर पाऊँगा। ये आपका ओपन लास्ट सेशन है, इसकी मदद से आपने आखिरी बार मीन्स आखिरी जो फाइल आपने सेव करी होगी वो यहीं से ही देखने को मिल जाएगी। जैसे आप बहुत लंबा डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो कई सारे पार्ट्स आप लगातार सेव करते जाते हैं, तो आप यहाँ जब क्लिक करेंगे तो सारी फाइल्स नज़र आएंगी आपको। फिर ये है सेलेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी, यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी खुद की डायरेक्टरी बना पाएंगे, मतलब एक फोल्डर बना पाएंगे जिसमें आप अपनी बनाई हुई सारी की सारी स्केच, 3D मॉडलिंग्स सारी आप सेव कर पाएंगे। जैसे मान लो मैंने एक न्यू नाम की एक फोल्डर बना दी, ये बना दी मैंने न्यू नाम की, अच्छा बना दिया मैंने। फिर मेरे को क्या करना है, ओके क्लिक कर दिया मैंने, अब वो न्यू मेरी क्या हो गई, डायरेक्टरी हो गई। अब उस डायरेक्टरी के अंदर मैं जो भी सेव करूँगा डायरेक्टली उसमें सेव हो जाएगा। जैसे अब शुरू करते हैं मॉडलिंग, तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है आपको, न्यू पे क्लिक करना है इस तरीके से। अब आपको डिसाइड करना है असेंबली करना है, 2D मॉडलिंग करना है, 3D मॉडलिंग करना है कि क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे 2D मॉडलिंग से। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ स्केच के ऊपर, ये मैंने कर दी स्केच के ऊपर क्लिक। फिर आप अगर इस फाइल का कुछ नाम देना चाहते हैं, मैं मान लो मैंने स्केच ही नाम दे दिया, ये मैंने नाम दे दिया स्केच, और मैंने फिर एंटर मार दिया। जैसे ही आप एंटर करेंगे ये सारा कुछ खुल जाएगा। अब इनसे परिचय कर लेते हैं कि इनमें दी हुई चीज़ें क्या क्या कहलाती है। तो ये जो ऊपर दिख रहा है ये वाली जिसमें आपका फाइल स्केच एनालिसिस ये लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं टैब। और ये सारा जो इसके अंदर दिखाई दे रहा है ये ऑप्शंस, अलग अलग ऑप्शंस, इसको बोलते हैं ग्रुप। फिर ग्रुप के बाद आप जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं इन ग्राफिक्स टूल बार। और ये जो आपको ब्लैंक पार्ट जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं अपन ब्लैंक पार्ट, मीन्स अगर ये वाली पार्ट जो आपको दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं ग्राफिक्स विंडो। फिर
ये जो है ऑल स्केच करके इसको बोलते हैं सेलेक्शन फिल्टर, और ये आपको सक्सेसफुली चेंज्ड टू ये सब दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं स्टेटस बार, मॉडल ट्री ये तो मैंने बता ही दिया आपको, और मॉडल ट्री हो गया, और ये पूरा का पूरा जो नीचे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं जितने भी रिबन, और ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार।